देसी देसी ना बोलिया कर छोरी रे, इस देसी की फैनिया दुनिया हो रही रे। देसी देसी ना बोलिया कर छोरी रे, इस देसी की फैनिया दुनिया हो रही रे। मेरी माँ बोले जो बोली वो ना छोटू मैं, जो मेरी तरफ से कलियर मैडम सॉरी रे। जहीर भाई, ये जगह हमको काफी पसंद आई है। इरफान भाई, तुम जाओ तो तुम्हारे नाम करा दे। ये जगह ही नहीं, ये पूरा एरिया इरफान भाई के नाम पे हो जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही होगा, क्योंकि इरफान का नाम पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है। तो ठीक है, ऐसे ही होगा। ओके। ये जगह हमें बहुत पसंद आई है, ये जगह हमें चाहिए अपना होटल खोलने के लिए। जरूर मिलेगी राशिद भाई, और कोशिश करो कोई दूसरा इस पर आंख ना लगाए। इस जगह पर, ये जगह हमें चाहिए, हर हाल में चाहिए। जरूर मिलेगी, क्या इसके लिए गोलियां चलानी पड़ जाए। ठीक है, इसके लिए तुम पूरी तैयारी करो। ठीक है सर। ओए, तूने इस जमीन के बारे में सोचा भी कैसे है? ये जमीन मैंने देखी है सबसे पहले। ये जमीन इरफान को पसंद आ गई है, और इरफान को जो चीज पसंद आ जाती है उसे ना सुनने की आदत नहीं है। और हमें किसी की जमीन देने की जबरदस्ती हमें कोई आदत नहीं है, ना ही किसी का जोर चल सकता है। अभी आपको ये बात मालूम नहीं है कि इरफान अपनी प्लेन खुद की प्रॉपर्टी के ऊपर ही उड़ाता है। राशिद अली की ट्रेन क्या, सारे जितने भी बसें ट्रक हैं सब अपनी सड़कों ट्रक पटरियों पर चलती हैं, समझे? तूने अभी सोचा नहीं कि तूने किस आदमी से पंगा लिया है? तू सोच, तूने नहीं सोचा कि तू किससे पंगा ले रहा है। मुझे करोड़ों अरबों रुपए में चाहे आग लगानी पड़े, लेकिन इस प्रॉपर्टी को नहीं छोड़ूंगा। और मैं चाहे कुछ भी करना पड़े लेकिन ये प्रॉपर्टी मैं लूंगा लूंगा लूंगा। ये प्रॉपर्टी हमें चाहिए। ये मैंने कहा, ये प्रॉपर्टी ना, समझे? समझ लेना कि तूने किस आदमी से पंगा लिया है। तू भी देख लेना, चलो चलो, पूरे शहर में नोट बिछा दूंगा, लेकिन इस प्रॉपर्टी को खरीद के दिखाऊंगा। मैं भी तमाम पानी बहा दूंगा, जल्दी से शरबत का पानी बहा दूंगा। भाई के पास कितना नोट है? ठीक है, पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे, अरे खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारो हम भूखे ही सो जाएंगे। दौलत हराम की है ये किस काम की, दौलत हराम की है ये किस काम की, हालो कसम इससे हाथ न लगाएंगे, हाथ न लगाएंगे, हाथ न लगाएंगे, खून पसीने की जो मिलेगी। अरे भाई करो मेहनत, मेहनत नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? अरे थक गए भाई, इरफान भाई ज्यादा थक गए। ठीक है, अच्छा बैठ लो, कुछ देर को आराम करो। बैठ गए हराम खोरो, काम क्यों नहीं कर रहे हो? ये सामान उठाकर फला पार्टी कहाँ पहुंचा का हो? चलो काम क्यों कहेंगे। देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। अरे मतलब धीरे का बना डाल दूंगा, आ जा आ जा, चलो यहाँ कट्टे डाल दो। अबे तू, अबे तू, अबे वहाँ तो बड़ी बड़ी लंबी फेंक रही। अरे तू भी तो लंबी लंबी फेंक रहा था, अपनी पटरियों पे ट्रेन चला रहा था। अरे तू तो बाबा हवाई जहाज उड़ा रहा था हवा में।
बहुत बड़ा फेंकू है तू तो इससे बड़ा फेंकू निकला भाई, ये क्या कर रहा तू? अबे तू तो घास काट रहा है। अरे भाई भैंसों के लिए घास खिलाया हूँ, तू कौन सा काम कर रहा है? तू भी तो काम कर रहा है। अरे वाह भाई वाह, चल यार बहुत वो कर ली भाई हमने, फेंका फाकी यार बहुत पोजीशन बना ली भाई। हमारी दोनों की कमी है। हाँ बिल्कुल, दोनों एक से है, बिल्कुल चार दिन बाकी है बेकार दिन, जीने के है चार दिन बाकी है बेकार दिन। जाए 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 एक बार जो चाहे जबान फिर ना। दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और घंटा बजाइए और शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट।